नमस्कार, देसी रसोई चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आलू टिक्की व्रत की। आपने सही सुना, सच में व्रत की आलू की टिक्की मैं बनाने वाली हूँ और बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाली है। अगर आपने भी नवरात्र का व्रत रखा है और आपका कुछ तीखा चटपटा सा खाने का मन कर रहा है तो आज आप मेरे साथ जुड़ जाइए। आलू की टिक्की हम बनाने वाले हैं और बहुत ही स्वादिष्ट ये आलू की टिक्की बनेगी। तो आलू टिक्की बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ चार आलू और ये थोड़ी सी हमने लिया है इमली। तो ये हम इमली इस पैन में डाले दे रहे हैं तड़के के, और साथ में इसमें डालेंगे दो चम्मच चीनी। दो चम्मच हम चीनी लिए ले रहे हैं और इसको हम बॉईल कर लेंगे इमली को। और इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा पानी, क्योंकि मुझे गाढ़ी सी चटनी चाहिए। आलू की टिक्की का स्वाद बढ़ाने के लिए इमली की चटनी बहुत ही बढ़िया लगेगी उसमें। तो इमली की चटनी हम बना ले रहे हैं और साथ में यहाँ फोड़ लेते हैं महीन महीन से आलू। और आप नवरात के व्रत रखे हैं, मैंने ही रखे हैं, तो आज मैं इसीलिए आलू की टिक्की लेके आई हूँ कि कुछ अलग सा खाया जाए। रोज वही कुट्टू के आटे की पूड़ियाँ और आलू की सब्जी या साबूदाने के बड़े पापड़ और ये सब कचौड़ियाँ, ये सब खा खा के बोर हो गए, तो अपनी माता रानी को कुछ अच्छा खिलाएं, एकदम बढ़िया सा चटपटा सा। तो आज आलू की टिक्की बढ़िया सी चटपटी बनने वाली है। तो चलिए, इनको भी मैंने फोड़ लिया है और सबसे पहले हम इमली की चटनी बनाएंगे। तो गैस पे हम गैस हमने जला दी है और रख दिया है ये तड़के का पैन। अब इसमें हम इमली की चटनी बना ले रहे हैं और साथ में हमने दूसरी तरफ रख रखी है कढ़ाई जिसमें हम आलू की टिक्की बनाएंगे। तो इसमें हमें अब व्रत की टिक्की बन रही है तो इसमें हम एक चम्मच भर के डालेंगे घी। और ध्यान देने की चीज ये है कि बहुत ज्यादा हमें इसमें घी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक चम्मच घी से हम आलू की टिक्की बनाएंगे। और आप जरूर इसको ट्राई करना, सच में बहुत ही बढ़िया बनती है ये टिक्की। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और रेसिपी अच्छी लगी तो इसको शेयर भी करें। तो घी अच्छे से गर्म हो जाए, घी गरम हो गया है, इसी समय हमें ये फूटे हुए आलू डाल देने हैं। और गैस को हमें हाई बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि मुझे ये एकदम से कुरकुरी टिक्की बनानी है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। और साथ में डाल देंगे एक चौथाई चम्मच नमक। नमक इस समय ज्यादा ना डालें क्योंकि चटनी जो है उनमें भी हल्का सा पड़ेगा, तो नमक ध्यान से डालें। एक चौथाई चम्मच हमने डाल दिया है नमक, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको बनने में थोड़ा समय लगेगा क्योंकि मुझे कुरकुरी टिक्की बनानी है एकदम बढ़िया सी, तो आप इसको बिल्कुल लो गैस पे इस तरह से फैला के दबाते हुए इसको बनाएंगे। अब क्या होगा इससे कि नीचे की जो परत है वो एकदम कुरकुरी होके निकलेगी, इसीलिए गैस को लो रखना है हमें। तो चलिए, इसको हमें बढ़िया क्रिस्पी होने देना है। और साथ में ये चटनी भी बन गई है तो गैस को हमने कर दिया है बंद और इसको होने देना ठंडा। तब इस चटनी में बस ध्यान ये देना कि पानी आपको कम डालना है। अगर व्रत नहीं होता तो हम लोग कॉर्नफ्लावर या ये आपका क्या कहते हैं आरारोट थोड़ा सा मिला देते हैं, थोड़ी सी मैदा लगा देते हैं जिससे चटनी हमारी गाढ़ी हो जाती है। और इसमें हम कोई कलर नहीं डालेंगे क्योंकि यहाँ पे सब व्रत का बनने वाला है, तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। मैंने बहुत थोड़ा सा पानी ऐड किया था तो ये और अच्छे से गाढ़ी होगी। अभी इसमें कुछ मसाले पड़ेंगे तो बहुत ही अच्छी ये चटनी बनेगी। तो अभी फिलहाल के लिए इसको ठंडा हो जाने देना और इसको छान के निकाल लेना। तो इसको हम देखते हैं पलट के, इसी तरह हम ये देखो हल्की हल्की से होने लगी है। और हमें इसी तरह इसको ये साइड से जो है इसको भी निकाल लेना है, हमें लो गैस मुझे रखनी है तभी ये हमारी टिक्की अच्छी बनेगी। और अच्छा खाना है तो थोड़ा समय तो लगेगा ही, तो इसको इसी तरह हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे एक परत हो गई थी नीचे तो हमने पलट दिया, दूसरी परत भी इसी तरह से हो गई है, इसको भी हम पलटेंगे और आप देख पाएंगे कितनी क्रंची हो गई है हमारी। ये देख पा रहे होंगे, ये देखो बस इसी तरह इसको अब ये हो गई। इसको फिर से एक बार इस तरह से हम फोड़ लेंगे क्योंकि हमें एकदम से कुरकुरी टिक्की चाहिए यहाँ पे। अब ये सब फोड़ दिए मैंने, इसको फिर से लेंगे और दोनों साइड में पहले कुरकुरा कर लेंगे हम, उसके बाद हम टिक्की बनाना शुरू करेंगे।
क्योंकि इसमें हम पापड़ी नहीं डालेंगे ना, तो यही वाली काम आएंगी, जो बीच बीच में ये क्रंची हो गई है ना, यही पापड़ी का काम करेंगी यहाँ पे। तो चलिए इसको फिर से एक नीचे एक परत हो, इसको पलटेंगे हम, फिर इस तरह फ्राई करेंगे। तो जब तक आलू फ्राई हो रहा है, हम मीठी चटनी को पूरा तैयार कर ले रहे हैं। ये अच्छे से हमने बढ़िया से मिक्स करके छान के ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, क्योंकि यहाँ लाल मिर्च या हरी मिर्च का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे, और हरी मिर्च इसमें अच्छी भी नहीं लगेगी। अभी मीठी चटनी है तो इसमें काली मिर्च का हमने पाउडर डाला है, और साथ में ही 1/4 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच खाने वाली नॉर्मल जो इससे हम खाना खाते हैं जीरा का पाउडर, और थोड़ा सा 1/4 चम्मच से भी कम सेंधा नमक, और इन सबको हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और ये हमारी मीठी चटनी भी बन गई। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, हमने अभी फिलहाल आलू टिक्की के लिए ही चटनी बनाई है, आपको ज्यादा बनानी है तो आप इसी तरह बना सकते हैं, उसमें लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं या ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं तो यहाँ हमारी मीठी चटनी बनके तैयार हो गई है, और हरी चटनी भी बना के तैयार कर ली है। व्रत की हरी चटनी की हमने रेसिपी डाली है, और इसमें बस मैंने टमाटर नहीं ऐड किया है, आप टमाटर ना ऐड करें, बाद बाकी प्रोसेस वही रहेगा। तो दोनों चटनी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब ये टिक्की बन रही है, इसी समय हमें इसमें ऐड कर देना है थोड़ा सा हरा धनिया, और इसको हमें अब पलट देना है। वाओ, देख पा रहे होंगे आप कितनी क्रंची हो गई है, ये देखो। और इस तरफ भी हम थोड़ा सा हरा धनिया लगा देंगे, इसका ना पूरा फ्लेवर हमारी आलू की टिक्की में मिल जाएगा। अब ये पर पूरी अच्छे से हो चुकी है, अब मुझे और ज्यादा इसको फ्राई नहीं करना, बस नीचे वाला जो मैं पलटा है उसको और इसी तरह बढ़िया सा सुनहरा हो जाने देना है। तो ये टिक्की तैयार हो गई है, गैस को हम कर देंगे बंद और इसको निकाल लेंगे किसी प्लेट में, बहुत ही आराम से निकालें, ये देखिए। और आप इसको अगर ऐसे भी खाएंगे तो भी बहुत ही अच्छी लगेगी, कुछ भी मत डालिए, आप चाय बनाइए और इस तरह से खाइए, सच में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। आप देख पा रहे हो कितनी क्रंची बनी, हम आपको आवाज भी सुना रहे, देखो कितनी बढ़िया एकदम हर तरफ से आवाज आ रही है। तो चलिए अब इसको बढ़िया तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे दही, हल्का सा मीठा कर लिया था हमने, तो इसको हम ऐड करेंगे। अब आलू की टिक्की बन रही है तो बढ़िया सी बननी चाहिए, ये हमने दही ऐड कर दिया है, और साथ में इसमें करेंगे हम ऐड मीठी चटनी, ये हमने मीठी चटनी भी ऐड कर दी है, और आप अगर ज्यादा डालना चाहते हैं तो आप ज्यादा डाल ले, और साथ में यहाँ बढ़िया तीखी खट्टी हरी धनिया की चटनी, जो ये तीखी भी है खूब अच्छे से और खट्टी भी है, इसमें हमने नींबू डाल रखा है तो इसको भी हम ऐड करेंगे। तो ये हमने हरी धनिया की चटनी भी ऐड कर दी है, और इसमें थोड़ी सी, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। अगर आपको पसंद है तो डालिए, अगर आपको कुछ सच में तीखा चटपटा सा खाने का मन हो रहा है, व्रत है अगर आप, तो आप डालिए, और थोड़ी सी हरी धनिया। अब इसमें पड़ने वाले हैं मसाले, तो यहाँ हमने कुटी हुई काली मिर्च ले ली है, थोड़ा सा इसको भी ऐड कर दिया है, 1/4 चम्मच सौंफ का पाउडर ऐड कर दिया है, 1/4 चम्मच हमने जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, और थोड़ा सा हल्का सा दही, और जो इसको और अच्छा बनाने वाले हैं, यहाँ हमने थोड़े से ले लिए हैं अनार के दाने, और आप देख पा रहे होंगे सच में आपका भी मन हो गया होगा खाने का, इतनी अच्छी बनती ही है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिख के बताएं, और नहीं तो चलिए माता रानी को भोग देने और मैं भी खाऊंगी फिर। तो आपको आलू की टिक्की कैसी लगी मुझे जरूर बताना। आज के वीडियो में इतना ही, फिर एक नई रेसिपी के साथ हम आएंगे, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।